मायावती को गलती पर हो रहा है पछतावा। भतीजे से माफी मांगने को तैयार हैं बुआ मायावती। मायावती को डर, माफी नहीं मांगी तो अखिलेश पार्टी खत्म कर देंगे। तो क्या बीएसपी में सिर्फ मायावती ही अकेले बचेंगी? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरा वीडियो देखेंगे तो इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बुआ को भतीजे ने प्यार भी दिया, सम्मान भी, लेकिन बुआ ने जो किया उसका एक एक बदला चुका रहे हैं अखिलेश यादव। राजनीति जो ना कराए, 3 साल पहले मंच पर पांव छू रहे थे अखिलेश, आज मायावती के गले में अटक गए हैं और उनकी पार्टी का वजूद ही खत्म करने पर आमदा है। कैसे अखिलेश यादव ने पूरी बसपा खाली कर दी, अब जरा ये देखिए। बसपा के 6 विधायकों ने 24 घंटे पहले समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। मायावती के पास अब सिर्फ 2 विधायक बच गए हैं। विधानसभा में बसपा के 19 विधायक थे, पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने के लिए 11 बाहर कर दिए गए। बचे 8 विधायकों में से 6 सपा में शामिल हो गए। बसपा के विधायकों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ जून 2021 में पंचायत चुनाव के बाद। उसके बाद से अब तक पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई शकबतुल्ला अंसारी, अंबिका चौधरी, लालजी वर्मा और रामचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। रामचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों ही नेता 5-5 बार के विधायक और कई बार के कैबिनेट मंत्री हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर धर्मपाल सिंह, मुरादाबाद सांसद रहे वीर सिंह, आरएस कुशवाहा, कादर राणा ने बसपा छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही बड़े नेता और 4 बार के विधायक हरेंद्र मलिक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वाराणसी के हरि किशोर तिवारी और पूर्व विधायक उदय लाल मौर्य ने सपा का दामन थाम लिया। अम्बेडकर नगर से बसपा के पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त सपा में आ गए। हरदोई के शाहबाद से बसपा विधायक रहे आसिफ उर्फ बब्बू खान सपा में आ गए। बुलंदशहर की सिकंदराबाद विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रहे सलीम अख्तर भी सपा में आ गए। अवध से लेकर पूर्वांचल और पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक दूसरे दलों से नाराज नेताओं का ठिकाना अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी बन रही है। यानी जो चाल अभी तक चुनावों से पहले अमित शाह चलते थे, अब उसी चाल से अखिलेश ने बहुजन समाज पार्टी को तितर बितर कर दिया है। इंसान को भी आखिर में 4 कंधों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मायावती के पास तो अब वो भी नहीं बचे। जो 2 विधायक बचे हैं उनमें से 1 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए उतावले हैं, मायावती से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन मायावती के ऑफिस के मठाधीश उन्हें मुलाकात ही नहीं करने दे रहे। सिर्फ मायावती ही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी में भी तोड़फोड़ मचा रखा। बीजेपी के अब तक 2 विधायक उदय लाल मौर्य और राकेश राठौर ने पार्टी छोड़ दी। किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव का चरखा दाव बड़ा मशहूर हुआ। चरखा दाव को सबसे ज्यादा मुलायम ने मायावती की पार्टी बसपा के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन अब वही चरखा दाव अखिलेश भी आजमा रहे हैं। ग्लोबल भारत के लिए अम्बेडकर नगर से दुष्यंत कुमार की रिपोर्ट।